Hello, students. Welcome to our English class. Today, we are going to start our new poem, Aunt Jennifer's Tiger. First of all, I want to tell you about the poet Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published nineteen volumes of poetry. Three collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. Now, I am going to give you a brief introduction about the poem. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constant of married life a woman experiences. There is an element of forcible assertion of female existence. The poet has given a pathetic story of Aunt Jennifer who has been dominated by uncle throughout her life. These ordeals have become the part and the parcel of her life. Now I am going to give you a brief explanation of the poem. Let's start our poem. Aunt Jennifer's tiger prints across a screen, bright topaz

और वो उसके ऊपर जंप करते हैं टाइगर और जो उनका टाइगर थे बेटा वो ब्राइट टोपेज टोपेज इज़ अ टाइप ऑफ प्रीशियस स्टोन पुखराज को बोलते हैं हम टोपेज तो डेनिजन्स डेनिजन्स होते हैं रेजिडेंट या निवासी वो उस ग्रीन वर्ल्ड का क्या था ब्राइट ब्राइट जो पुखराज की तरह होता है टोपैज की तरह है उसके निवासी हैं रहने वाले हैं यानी टाइगर फॉरेस्ट के रहने वाले लोग हैं और वो क्या है उन पर्सन से नहीं डरते उन पर्सन से नहीं जर, डरते जो कहाँ रहते हैं बिनी द ट्री ट्री के जो नीचे रहते हैं उनसे वो नहीं दर, डरते इट मीन्स दे आर फियरलेस एंड हैव नो फियर फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री और पेस पेस मीन्स स्पीड दे पेस इन स्लीक स्लीक मीन्स स्मूथ शेवलिक मीन्स बोल्ड एंड ब्रेव सर्टेनिटी यानी निश्चितता इट मीन्स दे जम्प विद कॉन्फिडेंस लाइक ब्रेव एंड वेल ग्रूम्ड वॉरियर्स और वो कैसे जंप करते हैं कैसे स्पीड लेते हैं स्मूथली जंप करते हैं पूरी बोल्डली ब्रेवली जंप करते हैं जैसे कि वेल ग्रूम्ड वॉरियर्स होते हैं योद्धा होते हैं उनकी तरह आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू ह वुल फाइंड इवन द आवरी निडल हार्ड टू पुल द मेसेवेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड इट मीन्स द फिंगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स आर मूविंग ओवर हर वूल इन वाइब्रेशन जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं वो फ्लटर करती हैं फटफड़ाती फड़ हैं वाइब्रेट करती हैं वूल वूल से बनाते हुए उसको अपनी क्रिएटिविटी को यानी जो वो टाइगर को जो बना रही हैं उनकी हैं फिंगर्स हैं फ्लटर कर रही हैं वाइब्रेट कर रही हैं दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू पुल द आइवरी निडल आउट ऑफ द वूल और उनको मुश्किल लग रहा है जो आइवरी निडल है निडल में सुई और आइवरी होता है हाथी दाँत से बनी हुई जो सुई है सिलाई है वो उनको खींचना मुश्किल लग रहा है उसको बाहर निकालना एम्ब्रॉइडरी अम, करना बाहर निकालना उससे मुश्किल लग रहा है और मैसेव मैसेव में जो होता हैवी देवी वेट ऑफ हर हजबेंड्स बैंड दैट बॉन्डेड डैम टूगेदर स्टिलइज हैवी ऑन हर हैंड्स इट मीन्स जो हैवी वेट का जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो अभी भी क्या है उनको दोनों को बांधे हुआ है अभी भी उसके हाथ पे क्या है एक बोझ की तरह बना हुआ है एक हैवी है उसके हाथ पे अभी भी आंट जेनिफर के हैंड पे अभी भी एक बोझ की तरह वो बना हुआ है और दोनों को बांधे हुआ है अभी भी वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid it means even when uh, aunt jennifer is dead abhi jab aunt jennifer mar chuki hai, her terrified hands will remain in the control of those difficult times which have pressed हर लाइक अ रिंग और अभी भी जो उनके हाथ हैं वो अभी भी किसके कंट्रोल में हैं और उसी रिंग के कंट्रोल में है और उसी के अकॉर्डिंग उनको चलाया जाता है मुसीबतों में वो घिरी हुई हैं और उस रिंग के अधीन है अभी भी उसको उनके अधीन रखा गया है और द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड पैनल मीन स्क्रीन बट द टाइगर विच शी हैड मेड इन हर बैंड विल बी गो ऑन जम्पिंग अहेड बोथ प्राउड एंड अफ्रेड अनअफ्रेड सॉरी इट मीन्स जो टाइगर पैनल पर पे बना हुआ है वो क्या है अभी भी जम्प कर रहा है उनकी डेथ के बाद भी और कैसे जम्प कर रहा है प्राउडली और अनअफ्रेड इट मीन्स बिना डरे और पूरे गर्व के साथ वो प्रेंस कर रहा है जम्प कर रहा है इट मीन्स उनकी डेथ हो गई है लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है अभी भी अलाइव है जीवित है जो उन्होंने टाइगर बना रखा है वो क्या शो कर रहा है कि डेथ के बाद भी जेनिफर जैसे क्या था बिना कंट्रोल के रहना चाहती थी इसलिए उन्होंने क्या किया था टाइगर को ए, आ, स्क्रीन पे बनाया था अपनी क्रिएटिविटी की थी तो वो टाइगर अभी भी क्या है अभी भी जंप कर रहा है पैनल पे स्टिल अलाइव है और जबकि आंट जेनिफ़र जो उनकी डेथ हो चुकी है और वो जंप कर रहा है प्राउडली जंप कर रहा है और फियरलेस जंप कर रहा है So that's the end of this poem. I hope you understand it well. Thank you for listening, students.